दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज एक बार फिर हम सब आपके बीच एक शानदार शाम लेकर आए हैं एस्ट्रल एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़द होने वाला ये मुशारा और कवि सम्मेलन। और इसमें आज कई शोबे हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, कुछ हमें सर्टिफिकेट्स भी देने हैं बच्चों को, कुछ अवार्ड्स भी देने हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों की डिटेल्स में जाने से पहले हम ये चाहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर इस महफिल की शुरुआत नाते पाक से कर दी जाए, जिसके लिए हमारे बीच में साकिब असलम साहब हैं और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो सबसे पहले आकर नाते पाक का नजराना पेश कर दें, फिर आगे की तफसीली बात होगी। आप हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़ शरीफ के चंद अशआर समाअत फरमाएं। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे। थोड़ा सा इको अगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे जलवे भी दिखाएंगे। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को। हम मस्जिद नबवी के देखेंगे मीनारों को। और गुंबद खजरा के पुरनूर नजारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। मिल जाएंगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की। मिल जाएंगी ताबीरें
एक रोज तो ख्वाबों की गिर जाएंगी दीवारें सब देख नाराहों की हम रोज़ाए अक़दस पर जब आँसू बहाएंगे हम रोज़ाए अक़दस पर जब आँसू बहाएंगे दिल इश्क नबी में तू कुछ और तड़पने दो दिल इश्क नबी में तू कुछ तड़पने दो इस दीद की आतश को कुछ और भड़कने दो हम तिश्ना दिली चल कर जमजम से बुझाएंगे हम तिश्ना दिली चल कर जमजम से बुझाएंगे और बहुत ही करीब है मेरे शेर मैं आप लोगों की पुरखलूस इजाज़त चाहता हूँ इस शेर के लिए जब हश्र के मैदान में एक हश्र बापा होगा जब हश्र के मैदान में एक हश्र बापा होगा जब फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा उम्मत को शहे बतहा कमली में छुपाएंगे उम्मत को शहे बतहा कमली में छुपाएंगे आखिरी शेर नाज़ शरीफ का समाअत फरमाएं लिल्लाह मुहम्मद से रुदाद मेरी कहना लिल्लाह मुहम्मद से रुदाद मेरी कहना ये पूछ के आका से इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे बिगड़ी भी बनाएंगे
जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ ना दीवानों, सरकार बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। मैं ज़्यादातर कारी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं ज़्यादातर करी वही ज़फ़र साहब को बहुत करीब से सुनता हूँ और उन्हें बहुत अच्छा अपना आइडियल मानता हूँ। पाकिस्तान के शायर हैं, काफ़ी अच्छा ओहदा अपना रखते हैं और उनके कलाम में भी काफ़ी खसूसियात रहती हैं। एक और उन्हीं की लिखी हुई नाशरीफ़ है, मैं आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, समाप्त फरमाएं। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा जिंदगी का करीना बदल जाएगा, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा जिंदगी का करीना बदल जाएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पल को से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही पल को से सजदे टपक जाएंगे,
नाम उनका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा। बहुत ही प्यारा शेर है, आप लोग सभी लोग समाप्त फरमाए शेर का। फरमाए शेर में नाम उनका जहां भी लिया जाएगा, नाम उनका जहां भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहां भी किया जाएगा, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। और एक दास्तान सुनाता हुआ एक हाजी अपने बारे में क्या बताता है, समाप्त फरमाए। ऐ मदीने के जायल खुदा के लिए, ऐ मदीने के जायल खुदा के लिए, दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, ऐ मदीने के जायर खुदा के लिए, दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी दिल तड़प जाएगा, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल